दोस्तों यूं तो किसी कंपनी की ओनर बनने के लिए आपके पास लाखों करोड़ रुपए का कैपिटल होना चाहिए और इसके साथ ही 3-4 साल 5 साल हम किसी कंपनी को देते हैं तो हमारा कंपनी ग्रो करता है और उसके बाद हम उस पर प्रॉफिट जनरेट कर पाते हैं। बट शेयर मार्केट एक ऐसा टूल है जहां पे आप पूरे दुनिया के पूरे वर्ल्ड के किसी भी कंपनी के एक शेयर अगर आप खरीद लेते हो तो डायरेक्ट आप उसके मालिक या उसके ओनर बन जाते हो। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ 100 रुपए के अंदर, जी हाँ दोस्तों 100 रुपए के अंदर टॉप 10 स्टॉक्स जिसका आप सिर्फ एक एक शेयर भी खरीद लोगे तो उस कंपनी का आप डायरेक्टली ओनर तो बन ही जाओगे, साथ में वो कंपनी जब ग्रो करेगा तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसके स्टॉक का प्राइस भी ग्रो करेगा और आपने जो कैपिटल इन्वेस्ट करा है उस पर भी आपको एक अच्छी खासी रिटर्न मिलने वाली। बट इसके पहले मैं आपको बता दूं जो 10 स्टॉक मैं बताने वाला हूँ ये जस्ट मेरे हिसाब से मेरे को लगता है कि सही है, ये बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको बाय करना है तो आप उसका टेक्निकल चार्ट और फंडामेंटल ये दोनों देख लीजिए, अगर आपको लगे कि ये कंपनी बढ़िया अगर आपको लग रहा है तभी आप उसमें इन्वेस्ट करिए। यहाँ पे मेरा डायरेक्ट बाय करने का मैं कोई ओपिनियन नहीं दूंगा। मुझे जो 10 स्टॉक सबसे बढ़िया लगता है 100 के अंदर, जस्ट मैं उसका नाम आपको बता रहा हूँ, उस स्टॉक का नाम बता रहा हूँ, आप अपनी रिसर्च एक बार जरूर कर लीजिएगा उसके बाद ही किसी भी शेयर में निवेश करिएगा। तो 100 रुपए के अंदर जो मैंने सबसे पहला स्टॉक लिया है वो है दोस्तों रेणुका सुगर। रेणुका सुगर अभी चल रहा है 54.75। ये स्टॉक मुझे यहाँ से काफी बढ़िया लगता है 100 रुपए के अंदर। जो हमारा सेकंड रिकमेंडेशन है वो है TRIL। TRIL अभी चल रहा है 65.45। इसने आज ही अप्रोक्स 15% एक दिन में 15% का जंप किया है ये स्टॉक। तीसरा है हमारा टाइम टेक्नो जो कि मैं आपको काफी पहले से आप लोगों को रिकमेंड करते आ रहा हूं। तो टाइम टेक्नो का जो प्राइस है वो है 92.50, इसको भी आप एक बार चेक कर सकते हैं। और चौथी जो हमारी कंपनी है वो है केल्टन टेक। केल्टन टेक एक बिग बेट हो सकता है, आप लोग इसके बारे में एक बार रिसर्च कर लीजिएगा। तो केल्टन टेक का जो मार्केट प्राइस है अभी वो है 57.65, इसके ऊपर मेरा काफी बड़ा बेट है, ये मैं पर्सनली आपको बता रहा हूँ, तो आप एक बार इसको अच्छे से रिसर्च कर लीजिएगा इस स्टॉक के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा लेमन ट्री। जी हाँ दोस्तों ये होटल से रिलेटेड स्टॉक है, तो इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो है 79.55। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है HSCL, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड। तो जो इसका प्राइस है वो है 95.70। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है HFCL। HFCL का करंट मार्केट प्राइस है 72.30। अभी बचा हुआ है 3 और स्टॉक, बट इसके पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको इसी तरह के स्टॉक रिकमेंडेशन वीडियो और मार्केट से रिलेटेड आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। तो जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो है दोस्तों JNK बैंक। JNK बैंक का जो करंट मार्केट प्राइस है वो है 56.95। नेक्स्ट जो स्टॉक हमारा आता है 9th नंबर पे वो आता है साउथ इंडियन बैंक जो कि 18.85 पे चलता है। बट ये स्टॉक थोड़ा सा रिस्की भी हो सकता है क्योंकि ये ऑलरेडी 10 रुपए से 19-20 रुपए पे आ चुका है। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप अपना खुद का जो है दोस्तों रिसर्च कर लीजिएगा, स्टॉक का फंडामेंटल, स्टॉक का चार्ट, टेक्निकल देख लीजिएगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है उसके हिसाब से ही एंट्री लीजिएगा। ऐसा नहीं कि मैंने आज बोल दिया और कल मार्केट खुलते ही आपने इसमें डायरेक्ट जो है बाइंग कर लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पहले देख लीजिएगा, छोटे छोटे जो स्टॉक्स होते हैं उसमें सपोर्ट और रेसिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, साथ ही फंडामेंटल चेक कर लीजिएगा। अगर आपको लगे कि ये स्टॉक सही है लेना, इसका टेक्निकल ये सही है, इसका फंडामेंटल सही है, तो ही आप एंटर करिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मुझे 100 रुपए के अंदर जो 10 स्टॉक मुझे सही लगता है वो मैं जस्ट आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। और सबसे लास्ट आता है DCW जिसका करंट मार्केट प्राइस है 49.25। तो ये था 100 रुपए के अंदर 10 स्टॉक। हालांकि स्टॉक की लिस्ट बहुत बड़ी है, बहुत सारे स्टॉक्स भी हैं, पर ये खास करके 10 स्टॉक जो है 100 रुपए के अंदर, ये 10 स्टॉक मुझे काफी ज्यादा पसंद है। तो इसमें मेरे खुद के भी कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट है, इसलिए मैं डायरेक्ट आप लोग को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। आप लोग खुद का एक बार रिसर्च कर लीजिए, एक बार एनालिसिस कर लीजिए। अगर आपको लगे कि ये सारे स्टॉक्स में अगर आपको पोजीशन लेना है तो आप एक सही जगह पे एक अच्छा डिप आए या फिर एक सही एंट्री पॉइंट अगर आपको मिल रहा हो तो ही इस स्टॉक में, तो ही इन सारे बताए हुए स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करिए। तो आज के वीडियो में यही था। आई होप कि ये वीडियो में जो आपको मैं स्टॉक रिकमेंड करता हूँ इससे आपको इन्वेस्टमेंट में आपके प्लानिंग के लिए जो फ्यूचर प्लानिंग होता है इसमें थोड़ी बहुत हेल्प जरूर मिलती होंगी। तो इसके लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हुए हैं तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब बटन को जरूर क्लिक कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।